गंदगी है दूध में, आप बताएं अपने घर पे ले जा सकते हैं? वो तो नहीं हो सकता, ये गलती है, ये हम डिस्कार्ड करवा रहे हैं, ये सेल नहीं होगा। दूध की हालत देखकर लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, और इसमें हमारी जो टेक्नीशियन ने चेक किया है इसमें मीठी सोडा का आंसर आ रहा है। अब इनके पास जो केमिकल रखे हैं इसकी लाइफ है, उसके बाद पता नहीं क्या किस तरह यूज है। इन किट के टेस्ट करने लाए और घुरा बैठो सैंपलिंग कयो, यो तो डिक्टेट करना ना। आप हैं दुकान के मालिक, मुझे सिर्फ ये बताएं यार ये दूध पीने जैसा है? सर ये अभी दूध खाली किया था जब भी, इसकी वजह से ढक्कन खुला, वरना हम ढक्कन बंद रखते हैं। नहीं मतलब ये जो गंदगी है दूध में, मैं समझ रहा, आप बताएं अपने घर पे ले जा सकते हैं? वो तो नहीं हो सकता, ये गलती है, ढक्कन खुला, गलती है यार। जब तक अगर इस बच्चे दूध पीकर बच्चे छोटे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हम ही हैं जिम्मेदार। डिप्टी डायरेक्टर फूड हैं फिदा हुसैन साहब, हम गुफ्तगू करेंगे। सर एक तो वैसे ही पूरे शहर का जो हालात है वो बिल्कुल ख़राब लगा हुआ है, ये दूध आज या फाइन कर देंगे और फाइन करने के बाद कल फिर यही हरकत करेंगे, तो इसका कोई अल्टरनेट पक्के वाला हो जाए कि भाई इसकी जान ही छूट जाए, ये दूध पी के तो बच्चे बीमार होंगे और कोई रास्ता नहीं? ये जो दूध आपने देखा है अभी, ये दूध सेल नहीं होगा, हम इसको बंद करेंगे, डिस्कार्ड करवाएंगे अभी, क्योंकि इसमें मिट्टी सामने नज़र आ रही है। एक ये, दूसरी ये है कि मिट्टी नहीं है, इसमें कचरा भी है, मक्खियाँ भी है, और आप ये देखने जैसा नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये हम डिस्कार्ड करवा रहे हैं, ये सेल नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना, हमें अगर शिकायत आती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं, और इतना बड़ा शहर है जहाँ पर शिकायत आती है या हमें महसूस होता है कि यहाँ हो रहा है, हम पहुंच भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अभी आपने रेट का भी फ़र्क यहीं मालूम कर लिया कि दुकानदार कह रहे थे 190 का दे रहा हूँ और भाड़ जो है वो 210-220 का हो रहा है, तो इनको जुर्माना जो है वो 10-20 हज़ार होता है, फिर कल यही दोबारा हरकतें शुरू कर देते हैं। आपका कोई ऐसा अल्टरनेट नहीं है कि ये बाउंड रहे हैं कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें, चाहे दूध ख़राब हो या महंगा दूध बिक रहा हो? आप अभी देखेंगे ये किस तरह बाउंड रहते हैं, ये हम आपको आपके कैमरा के सामने बता रहे हैं, और आप फिर अपने हिसाब से भी विज़िट कर लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि ये बाकायदा बाउंड रहेंगे, ये डिस्कार्ड करवाएंगे, इनको एक भारी जुर्माना आयद करेंगे, जैसे ये आइंदा ये हरकत ना करें। दूध की हालत देखकर लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम देखते नहीं हैं, यही बच्चों को दूध पिला रहे हैं और बाद में फिर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे होते हैं। हम और भी मालूमात करते हैं। ये किस कौन सी जगह है जो यहाँ इतना दूध स्टोर हो रहा है और यहाँ क्या आपको मिला है? ये अलफजर वालों का वेयर हाउस है जी, और इसमें हमारी जो टेक्नीशियन ने चेक किया है इसमें मीठी सोडा का आंसर आ रहा है। अच्छा। ये इस वजह से इस्तेमाल करते हैं ताकि दूध ख़राब ना हो। अच्छा। हाँ तो ये दूध कितनी दूर से लेकर आ रहे हैं? ये तो खैरपुर नाथन शाह से लेकर आ रहे हैं, 3 घंटे की यहाँ से मुसाफत है, और वहाँ से लेकर आते हैं, ये यहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये 3 घंटे से वहाँ से दूध लेकर आए हैं, फिर यहाँ भी एक दिन रखते होंगे, तो ये दूध कैसे बचता होगा, ये प्योर कैसे रहता होगा? ये तो ये बता सकते हैं कि इनकी फ्रेशनेस ये कब तक रखते हैं, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग है उसमें ये आ रहा है कि मीठी सोडा इस्तेमाल करके ये इसको फ्रेश कर रहे हैं। असा मोकिलींदासीं पर हिनमल तव्हां त असांखे ग़लति था कयो न, मां उहो त चवां त हिन किट खे टेस्ट करण लाइ होॾां घुराए वठूं। ठीकु आहे न, त असां हिन सैम्पलिंग खे नथा मञूं। ओके हाणे असां मोकिलियूं था PCS आहे यार, ठीकु आहे, उनखे तव्हां बि मञींदव, असांखे बि मञींदासीं, बसि ॻाल्हि ई हिनखे तव्हां हिनमहिल सिग्नेचर वठो था त माना तव्हां चओ था त असां ग़लति हूं, उहो ई मां चवां थो त होॾां सैम्पल घुरायूं था त भला किट जी बि ख़बर पइजी वेंदी। असांजो कमु आहे, असां उते वञी चेक कंदासीं, या जेको आहे मीडिया असां सां गॾु आहे, असां ॿी बि शॉप्स कयूं आहिनि, तव्हांजी हिकिड़ी ते थोरी आया आहिनि। सैम्पलिंग कयो, इहो त डिक्टेट करणा न, असां नौकिरी करणा आहियूं भाईजान, ॾिसो असां नौकिरी करणा आहियूं, तव्हां खीरु खपायो था, असांजी इहा ड्यूटी आहे जेका असां कयूं पिया न, असांखे पंहिंजी ड्यूटी करणु ॾियो, शाहिन जो मसलो आहे, असां हुनखे पाण ॾिसी वठंदासीं। नाम बता दीजिएगा और आप यहाँ क्या है, ये जो अलफजर के जो वेयर हाउस पे छापा मारा है? अकाउंटेंट हूं। अभी जब हमारे सामने ये जब चेक किया है तो आपके सामने बताया कि इसमें केमिकल का इस्तेमाल हुआ, जो सोडा होता है, तो आप उसको इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये केमिकल, ये जो
किट है इसकी भी लाइफ होती है, हर केमिकल की लाइफ है। अब इनके पास जो केमिकल रखे हैं इसकी लाइफ है, उसके बाद पता नहीं क्या किस तरह यूज़ है उस पर। जहाँ से ये आ रहा है दूध, आप इस बात पे भी श्योर हैं कि जहाँ से दूध आ रहा है उसमें वहाँ कोई आपके यहाँ ना हुआ हो, वहाँ कैन शाम में दूध में कहीं सोडा इस्तेमाल हो गया, इस बात के लिए श्योर हैं? वो श्योर हैं हम, क्योंकि ये सेम किट हमारे पास भी है, वहाँ पे टेस्ट होता है। जी बिल्कुल, हमारी जो है इस किट की 24 तक जो है वैलिडिटी है, 2024 तक वैलिडिटी है, ठीक है। बाकी देखें ये जिस चीज़ को कह रहे हैं उनके पास जो है हमारी SOP भी तो फॉलो नहीं है। आप आए हैं जैसे हमने, यानी कि किसी भी बंदे को जो है हेयरनेट मास्क वगैरह ग्लोव वगैरह ये भी चीज़ें नहीं है, ये भी एक हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें इनके पास नहीं है, ये चैलेंज कर रहे हैं आपको। तो अभी जब हमने स्पॉट पे चेक किया है तो उसमें जो मीठा सोडा होता है उसके इस्तेमाल की तो आपकी किट ने की है, हाँ। तो फिर ये आपको चैलेंज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका क्या फर्दर प्रोसीजर होता है? इससे हम ये जो हमने सैंपल लिए हैं ये हम कराची भेजेंगे, PCSIR लेबॉरेटरी या कराची यूनिवर्सिटी, दोनों से जब रिज़ल्ट आएगा तो फिर हम इनको पेनल्टी करेंगे। जो भी रिज़ल्ट आया वो तो इनको भी काबिल कबूल होगा और हमें भी होगा। बाकी ये तो चीज़ आपने भी देखी ना कि SOPs को तो फॉलो नहीं कर रहे ना। नहीं, मैंने ये बात तो जो मैनेजर है बिलाल साहब मैंने उनको कही है, और एक चीज़ मैंने देखी है कि वो हाथ साफ किए बगैर उन्होंने दूध में हाथ डाल दिए, वो तो कैमरे के सामने रिकॉर्डेड है, इस पे तो कोई इनकार नहीं है। इससे तो उनको भी इनकार नहीं है कि SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उस पे तो हम एक्शन लेंगे SOPs के। बाकी जो सैंपल है, सैंपल जब आएगा रिपोर्ट आपके साथ भी शेयर करेंगे, इनके साथ भी करेंगे। और जो हम ये नहीं चाहते कि किसी का कारोबार बंद हो, हमारी हरगिज़ ये जो है ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि दूध नीड है, आपकी भी नीड है और मेरी भी नीड है, लेकिन वो दूध जो सेहत बख्श हो।